गलियों में घूमते आदमखोर भेड़िए। आदमखोर की दहशत से गांव में पड़ा सन्नाटा। अपनों की रक्षा के लिए सड़कों पर गश्त करते लोग। यूपी के बहराइच में आदमखोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों में खौफ है। आलम यह है कि आदमखोर के डर से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा है, दुकानों में ताले लगे हैं, तो वहीं कुछ लोग भेड़ियों को खोजने के लिए खेतों में ही अपना तंबू और मचान लगाकर बैठ गए हैं, जिसे आदमखोर का पता लगा सके। इस वक्त रात 11 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वह काफी सुनसान सा दिख रहा है। चारों तरफ आप देखिए, सिर्फ अंधेरा और अंधेरा दिख रहा है। मैं जहाँ पर हूँ, ये महाराजगंज बाजार का ये इलाका है। आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, चूँकि बारिश का मौसम है और यहीं कुछ दूरी पर अभी भेड़िए के लिए, भेड़ियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था, लेकिन कुछ दूरी पर, यानी कि कुछ गांव के बाद, ये जो महाराजगंज का इलाका है, देखिए लोग ऐसे ही अस्थायी रूप से ये टेंट का नात लगाए हुए हैं अपने से ही बनाकर। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक ऐसा मचान दिखाऊँगा कि जो घिरा हुआ है, यानी कि बारिश के मौसम में भी आप इस मचान पर सो सकते। काफ़ी मजबूत ये मचान बनाया गया है। आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ से यहाँ पर पन्नियों से ढका हुआ है और इसमें लोग एंट्री इस तरफ से करते हैं। आप देख रहे हैं, अंदर भी दो लाठी डंडे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, ये बिस्तर लगा है, ये पूरी चारपाई अंदर बनी है। और इस तरह से ग्रामीण यहाँ पर रात बिताते हैं। ये अपने से एक यूनिक ये आइडिया दिख रहा है, एक ऐसा मचान जो बारिश में भी सुरक्षित है, बारिश में भी लोग खुले आसमान के नीचे रह सकते हैं। आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला है। आदमखोर की दहशत की वजह से लोग रात भर सोते नहीं है। लोग लाठी डंडों के साथ नुकीले हथियार और लंबी दूरी वाली टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। इस वक्त रात 12 बज चुके हैं और मैं कोलैला ग्राम सभा में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं, ये वही कोलैला है जहाँ पर कुछ दूरी पर आदमखोर भेड़िए रहते हैं, उनका सुरक्षित स्थान है। यहीं पे कॉम्बिंग भी की जाती है, यहीं पे पिजड़ा भी लगाया गया था और यहीं पे जाल भी बिछाया गया था, लेकिन बेहद खूंखार भेड़िया भागने में कामयाब रहा। आप देख सकते हैं, दोनों ओर का जो रास्ता है, यानी कि कोलैला में ये रास्ता पूरी तरह से खाली सुनसान दिख रहा है। चारों तरफ अंधेरा कायम है और इन्हीं अंधेरों का फायदा उठाते हुए ये जो आदमखोर भेड़िया है वो बस्तियों में आता है, यानी कि इस गांव में आता है, शिकार बनाता है, नवजात शिशुओं पे हमला बोलता है, ग्रामीणों पर हमला बोलता है। 50 से अधिक हमले हो चुके हैं, 10 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरह का माहौल है, आतंक और भय में लोग जी रहे हैं, और जिस तरह का काम अभी हुआ है इन पूरे क्षेत्र में, जिससे लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। खूंखार भेड़ियों ने जो माहौल इधर बना दिया है, उससे ना तो ग्रामीण रात में सो पा रहे हैं, ना तो दिन में वो काम कर पा रहे हैं, ना वो अपने खेतों की ओर जा पा रहे हैं। ऐसे ही सनसनी पूरी रात निकल रही है और दिन भी लगभग ऐसे ही निकल रहा है। हर गांव और इलाके में दहशत है। जैसे ही अंधेरा होता है, पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। सड़कें सूनी हो जाती हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कब आदमखोर भेड़िया किसे अपना निवाला बना ले। यही वजह है कि लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए। मध्य रात्रि का ज्यादा का समय हो चुका है, लगभग 1 बजने वाले, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण है वह किस तरह से बैठे हुए हैं, लाठी डंडा लेके, बल्लम लेके, हाथों में टॉर्च भी लेके बैठे हुए हैं। आप देखिए, लगातार बीच बीच में टॉर्च जलाते हैं, चारों तरफ देखने का काम करते हैं कि कहीं कोई आदमखोर भेड़िए आ तो नहीं रहा है। इस टॉर्च भी इन लोगों के पास अच्छी है, जिसकी क्षमता भी काफ़ी दूर तक है, लगभग 400 से 300 मीटर तक की दूरी देखी जा सकती है आराम से। अगर कोई हलचल होगा तो ज़रूर ये उसको समझ जाएंगे, उसको ये पहचान लेंगे, क्योंकि इस समय सारे जो पेड़ पौधे हैं सब शांत हैं। अगर थोड़ी सी भी कहीं खड़खड़ाहट होगी,
थोड़ी सी भी आवाज़ में अगर हलचल होगी तो ये ग्रामीण उसको समझ जाएंगे, पहचान लेंगे और तुरंत अपने हथियार को उठा के अलर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये भाला है जो गड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं ना कि ये भाला है, किस तरह से इसको इन्होंने एक उसका अपना मोबाइल रखने का तरीका बना लिया है, लेकिन तुरंत ही भाला निकाल के ये अलर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की जो रात है, खूंखार आदमखोर भेड़िए के साए में ग्रामीणों की रात बीत रही है। खेत हो, सड़कें या फिर गलियां, हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। आदमखोर भेड़िए ने आतंक ऐसा फैलाया कि इंसान तो दूर, पूरे इलाके में जानवरों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। इंसान ही नहीं, जानवर भी डरे हुए हैं। मैं इस वक्त हरबक्सपुरवा में हूँ और करीब 2 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर के बाहर खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। इन कुर्सियों पर ग्रामीण लोग यानी परिवार के लोग बैठे हुए थे, लेकिन देर रात हो गई है, लोग अपने घरों के अंदर चले गए हैं सोने के लिए। आप देख सकते हैं कि बाहर चारपाई और तख्त भी लगी है, लेकिन इस पर कोई नहीं है। लोग या तो छतों पे सोए हुए हैं और या तो अपने घरों के अंदर सोए हुए हैं। बाहर जो चारपाई रखी हुई है उस पर कोई भी शख्स नहीं है। आतंक है खूंखार भेड़िए का, क्योंकि खूंखार भेड़िया आता है, उन घरों में हमला करता है जहाँ पे दरवाजे नहीं होते हैं, उन लोगों पे हमला करता है जो लोग खुले में होते हैं। ऐसे में सभी ग्रामवासी अंदर चले गए हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो खाली पड़ी हुई है। पूरा ये जो ग्रामीण क्षेत्र है वह इस समय जी रहा है, जिस तरह के आदमखोर खूंखार भेड़ियों का जो कहर है, काफ़ी लोगों पे लोग हमला कर चुके हैं, काफ़ी लोगों पे अटैक कर चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में ग्रामवासी अलर्ट मोड पर है। बहराइच में कभी सुबह के 4 बज से ही दुकानें खुल जाया करती थी, लोगों का बाहर निकलना शुरू हो जाता था, लेकिन भेड़िए के डर से अब तब तक लोग बाहर नहीं निकलते जब तक सूर्य उदय नहीं होता। यही वजह है कि दुकानों में ताले पड़े हैं, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इस वक्त 4 बज चुके हैं, मैं भगवानपुर चौराहे पर हूँ। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं और इन दुकानों में अब तक चहल पहल शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि भोर का समय है, 4 बजे अमूमन ग्रामीण के लोग उठना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। चूँकि ये सड़क है तो इस सड़क पर जो वाहन है जो रात भर फर्राटा भरते हैं या किसी सामग्री को ले आने का और जाने का काम करते हैं, वह ट्रकें आ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ कहीं दूर दूर तक लोग नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गश्त लगाने का काम जारी है, पहरेदारी देने का काम जारी है। ऐसे ही कुछ लोग ये टॉर्च लेकर आ जा रहे हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जिनका आना जाना लगा है, लेकिन जो चहल पहल होनी चाहिए, जैसे कि लोग अपनी दुकानों को खोलने के लिए साफ़ सफाई का काम शुरू कर देते हैं, पानी आगे उसको दवार के उसमें झाड़ू लगाने का काम शुरू करते हैं, दुकानें खुलने का टाइम होने लगता है, लेकिन आदमखोर भेड़िए का ऐसा कहर, ऐसा डर, ऐसा भय कि अभी तक कोई दिख नहीं रहा है और सभी दुकानों के शटर इस वक्त डाउन। सिर्फ बहराइच नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। भेड़िए लोगों को निशाना बना रहे हैं, प्रशासन और वन विभाग की तरफ से आदमखोर को पकड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन भेड़िया इतना शातिर है कि वो वन विभाग के हत्थे ही नहीं चढ़ रहा। यही वजह है कि बहराइच में सन्नाटा पसरा है, लोग खुद को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ग्राउंड जीरो से राघवेंद्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे, कैसे राउंड द क्लॉक राघवेंद्र वहां पर मौजूद रहकर, हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद रहकर पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। और बहराइच के मेहसी इलाके में एक बार फिर से भेड़िया देखा गया है। हम सीधे हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। वैभव, क्या तैयारी है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा प्लान तैयार किया गया वन विभाग की तरफ से जिसके बाद आज भेड़ियों का सफाया तय है।
हाँ देखिए, बिल्कुल हमारी मौजूदगी इस वक्त मासिक क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में है और ये गैत्री वही जगह है जिस जगह पर कल देर शाम 3 भेड़ियों को ट्रेस किया गया है वन विभाग की टीम की तरफ से, और ड्रोन कैमरे के जरिए इन तीनों भेड़ियों को जो है वो इस लोकेशन पर ट्रेस किया गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन कल देर रात चला, और ये जो रास्ता है ये आगे पूरा खेतों की तरफ जाता है, और इस रास्ते पर अगर आप बाएं तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको बड़े बड़े जंगल नजर आएंगे, और दाहिने तरफ इस रास्ते के जो है वो चारों तरफ खेत हैं। ऐसे में भेड़िया लगातार ऐसी सुरक्षित जगहों को ही अपनी लोकेशन जो है वो बना रहा है ताकि उसे कोई ट्रेस ना कर पाए, और अगर ट्रेस भी कर लेता है तो उन तक पहुंच ना पाए, उन्हें पकड़ ना पाए। कल देर रात तक गैत्री सिकंदरपुर में सर्च ऑपरेशन चला है। इस वक्त सिकंदरपुर के ग्राम प्रधान शिवकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, क्या हुआ था कल रात, कितने भेड़िए ट्रेस किए गए? यहाँ पे कई बार सूचना मिली थी कि यहाँ पे दिख रहा, हम लोगों ने कई बार जंगल विभाग वालों को सूचना दिया था, फिर विधायक जी ने बात किया तो DFO बहराइच रात में आए थे, उन्होंने यहाँ पे ड्रोन आया तो एक तरफ CR दिखे कुछ, लेकिन इस तरफ 3 भेड़िया ट्रेस किए गए हैं। यानी कि 3 भेड़िया अगर सिर्फ यही है तो ये कहा जा सकता है क्षेत्र में बहुत सारे भेड़िए होंगे। हाँ, बहुत सारे होंगे। कितनी चुनौती आप लोगों के लिए गाँव वालों की रक्षा करना, रात में जगकर पहरा देना? हम लोग पूरी रात जग रहे हैं, एक महीना हो गया, फिर पूरे गाँव को रात में जगाते हैं कि कोई, और लड़कों को कहते हैं कि लड़कों को लेके घर के अंदर सब लोग लेटे, बाहर कोई नहीं लेटे, जिनके घर में पल्ले दरवाजे नहीं उनको लगवाया जा रहा है। अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, बाकी सुरक्षा तो अपने हाथ में है। दिन में सुरक्षा को लेकर क्या है, क्योंकि दिन में भी अब भेड़िया लगातार हमले कर रहा है? दिन में जंगल विभाग वाले ट्रेस कर रहे हैं, रात में कर नहीं पाते हैं। दिन में देखते हैं ड्रोन उड़ा के कि कहाँ है क्या है, फिर जाल वाल लगाते हैं, दिन में यही करते हैं, रात में हम लोग पहरेदारी करते हैं, यही किया जा रहा है इस समय। तो देखिए कितने चुनौतीपूर्ण हालात जो हैं वो इन गांवों में हैं। मेरे विजय CP सिंह, अगर आपको एक बार इस लोकेशन की तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि भेड़ियों का ठिकाना पिछले कई दिनों से ये इलाका जो है वो बना हुआ है, और इस इलाके में भेड़ियों को लेकर बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर के ठीक सामने बड़ा सा जंगल है, और यहाँ पर पहले जो लोग रुकते थे अब उन्होंने रातों में यहाँ पर रुकना भी बंद कर दिया है, क्योंकि भेड़ियों की लोकेशन लगातार इस इलाके से ट्रेस होने के बाद लोग अब यहाँ पर अकेले नहीं रुक रहे हैं। अगर जंगल झाड़ियाँ देखेंगे तो तकरीबन 4 से 5 फीट तक यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो जंगल और झाड़ियाँ हैं। यही वजह है कि भेड़िया इन जंगलों में छिपकर शिकार का इंतजार करता है, और उसके बाद अपने शिकार को वो निवाला जो है वो बनाता है। हालांकि